मांगे लिख के देखे गए हमने, ये जो मांग पत्र के रूप में ये बातें मैं जो भी है मुख्यमंत्री कह देंगे, जो होने वाली बात है मुख्यमंत्री पहले भी कर रहे हैं आगे भी कर रहे हैं। तो क्या मानी जाएंगी सर इनकी? जो बात होने वाली है मैंने कहा है, पहले भी मुख्यमंत्री से मिले हैं, जो आज उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया, ये ज्ञापन मैं मुख्यमंत्री रिकमेंड करके मुख्यमंत्री जी को भेजूंगा, और जो होने वाली बात है मुख्यमंत्री पहले भी देख रहे हैं आगे भी। मुख्यमंत्री जी हमेशा एक महिला की बात आती है, किसी बात आती है, हर बात का ध्यान रखते हैं, जो होने वाली बात है मुख्यमंत्री जी करेंगे और पहले भी किया। सर हम एक अक्टूबर से यहाँ धरने पर बैठे हैं मुख्यालय पर, सभी मुख्यालयों पर, मतलब जितने भी हमारे मुख्यालय हैं पूरा हरियाणा के आंगनबाड़ी वर्कर धरने पर है। उससे पहले हम मंत्री जी के निवास पर आज 85वां दिन हो गया हमारे धरने को, न तो मंत्री हमारी कोई बात सुन रही है, उल्टा हमारी एक वर्कर को टर्मिनेट किया गया है, एक पे SC ST एक्ट लगाया गया है, जबकि वहाँ किसी तरह की ना तो मारपीट हुई ना किसी तरह का और झगड़ा हुआ, कोई बात ही नहीं। तो ज्ञापन दिया गया जी? हाँ जी, आज ज्ञापन दिया गया जी, हमारी आंगनबाड़ी जो निजीकरण करने जा रही है सरकार, ये हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हम वही काम, मतलब बिना उसके किसी भी, मतलब हमें कोई भी पैसा नहीं मिलता किसी भी काम का, हमारे डिपार्टमेंट के अलावा हमसे विभाग भी हमारे से सेवाएं दे रहा है, और दूसरा विभाग भी, तीसरा भी, NGO भी, हम पे जो भी काम है वो सारे थोपे जा रहे हैं हमारे पर। क्या नाम है जी आपका? सुनीता सनियाणा। तो क्या आश्वासन दिया है विधायक जी ने? विधायक जी ने बोला है मैं ये बातें मैं मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगा और आपको न्याय दिलवाऊंगा।